दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन। आप जैसे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह से समस्या मिल रहे हैं, कुछ इस तरह से एरर मिल रहे हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस समस्या को आप कैसे ठीक कर पाएंगे और आप अपना जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन IPBB में कैसे आपको लॉगिन करना होगा, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो मानते बनेगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका डिटेल्स होगा, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल आपको यहाँ सही तरीके से फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको एम पिन बनाने का ऑप्शन आएगा जाएगा। जो भी आप अपना एम पिन बनाना चाहते हैं, अपना एम पिन आपको ऊपर नीचे से आपको एम पिन डाल लेना होगा, जो भी आप अपना एम पिन बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको नीचे सेट एम पिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहीं से आपको एरर मिल रहा है, यहीं से आगे आपका जो नहीं बढ़ है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपको इसे कैसे ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने इसके पहले जो सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाया था, उसी क्वेश्चन का आपसे आंसर यहाँ मांगा जा रहा है, देख सकते हैं। टाइप, प्लीज टाइप आंसर व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ। जो भी आप फर्स्ट टाइम इससे पहले आपने लॉगिन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो उस समय जो भी आपके अपना जो आंसर लगाया था, उस आंसर को आपको यहाँ टाइप कर देना होगा। अगर आपको ये आंसर याद नहीं है, तो आपको यहाँ चेंज क्वेश्चन पर क्लिक करके यहाँ आपका दूसरा आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, यानी दूसरा ऑप्शन आ चुका है, आपको यहाँ इसका आंसर देना होगा। ये भी आपको याद नहीं है तो चेंज पर क्लिक करते रहना है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी आंसर याद नहीं है, पुराना वाला कोई भी आंसर नहीं याद है, तो आपको कैसे दोबारा से लॉगिन करना होगा, चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि इसे लॉगिन करने के लिए बहुत ही आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आपको करना क्या होगा, आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्किप एंड री रजिस्टर, ठीक है, बस आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपका जो समस्या ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे आप स्किप एंड री रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, तो फिर से आपको अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आपको फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि मैं अपने अकाउंट नंबर, कस्टमर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब एम पिन बनाने का ऑप्शन फिर से आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैं अपना एम पिन जो बनाना चाहता हूँ, मैं अपने एम पिन यहाँ एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अपना एम पिन यहाँ एंटर कर लेता हूँ, एम पिन एंटर करने के बाद आपको करना क्या होगा, नीचे आपको सेट एम पिन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आप, एड सिक्योरिटी क्वेश्चन आ चुका है, यहीं आपका जो आप जो ऑप्शन डाले थे उसी का आंसर वहाँ मांगा जा रहा था, लेकिन अब आपको रजिस्टर करना है, आप नया आंसर बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल अटेंडेंस, या कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि आपको याद रहे, तो आपको इसमें कुछ भी लिखेगा तो आपको वैसे कैसे कर याद रखना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ टिक कर देना होगा, अनचेक कर देना होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ इसे अनचेक कर दीजिएगा। अनचेक करके आपको स्क्रीन शॉट लेना होगा, ताकि आगे आपको दोबारा आप रजिस्टर कर लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ समस्या ना मिले। उसके बाद आपको नीचे यहाँ सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं OTP वाला वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, अलाउ आपको मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना होगा, वरना ऑटोमेटिकली OTP आ जाएगा, देख सकते हैं। ऑटोमेटिक OTP आकर आपको यहाँ फिलअप भी हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अपने एमपिन जो बनाया था डाल के यहाँ सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया हूँ। तो बस आप इसी स्टेप को फॉलो करके अपना समस्या को ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पूछ रहे हैं, कुछ डाउट है, तो जरूर कमेंट करें, उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।